नंबर वन चैप्टर यानी कि अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे सगीर अहमद से, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मिलेगा आपको एग्जाम्पल का मिलेगा, और उसमें बोलेगा न्यूनतम या महत्तम मान निकालने के लिए, जिसका एक ही मात्र ट्रिक या सूत्र है उसी से आप बनाएंगे। सूत्र या ट्रिक को रट लेना है, यानी कि सूत्र या ट्रिक है क्या, सी माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए, ठीक, इसको आपको याद करना है, सी माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए न्यूनतम या महत्तम मान। क्वेश्चन द्विघात समीकरण का दे देगा और बोलेगा आपको कि इसका महत्तम मान क्या है, न्यूनतम मान क्या है, और हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बीपीएससी वगैरह भी ये पूछता है, तो एकदम बहुत ही अच्छा सूत्र है ये, याद रख लो, बन जाएगा तुरंत। तो देखो इसको और अगर हम सूत्र में कन्वर्ट करेंगे तो देखो इसके नीचे एक रहा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा फोर ए, और ये हो जाएगा फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए। या तो आप ये सूत्र लगा लो या तो ये लगा लो, जो आपको लगाना है वही सूत्र लगा लो। तो सबसे अच्छा ये होगा सी माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए, देखने में भी साफ सुथरा लगता है। अगर आप कहोगे नहीं फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए बनाएंगे तो इससे भी बनेगा, तो पहले सवाल हम दिखाते हैं एग्जाम्पल नंबर एक, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल दो बताएंगे, दो ही एग्जाम्पल है इसमें, और एक से लेकर क्वेश्चन आज 10 तक बताएंगे, उसके बाद डेली आपको हम छोटा छोटा वीडियो देंगे ताकि आप पूरा वीडियो देख सके। देखिए एग्जाम्पल एक क्या कहता है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का न्यूनतम मान क्या होगा, समझना बात को, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इसका है, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है न्यूनतम मान, न्यूनतम मान चाहिए, ठीक है। तो एक बात बताओ, न्यूनतम मान बोले या फिर महत्तम मान बोले, ट्रिक तो मेरा यही है, ठीक। तो आपको जो ट्रिक लगाना है फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए या फिर सी माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए, बात देखिए इसी से ही आया है, तो हम आपको दोनों बता देते हैं ताकि आप कभी कंफ्यूज ना कर जाए। तो देखो हमको सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं ये क्या है, ये दो जो है ना मेरा ए है, ये जो तीन है ना मेरा बी है, और ये मेरा सी है, ठीक। इस तरह से लिखा होना चाहिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, कभी कभी ये उल्टा भी लिख देगा, तो अगर उल्टा लिख देगा तो उल्टा तरफ से ले लेंगे ए बी सी, ठीक। अब देखो हम यहां पर सूत्र लगाएंगे न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान बराबर क्या लगाएंगे, c माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए, पहला सवाल है इसलिए हम थोड़ा लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, तो सूत्र को लिख रहे हैं, आगे आपको बिना सूत्र लिखे बता देंगे। तो देखो यहां पर हम क्या करते हैं, तो C का मान पुट करते हैं, देखो C का मान कितना है, 5 है, 5 लिख दिए, माइनस लिख दिए, B स्क्वायर, B कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ऐसे तो माइनस 3 है, तो माइनस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 लिख दिए, और उसके बाद बटा 4a, a का मान 2 है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक। अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पंच 40, 40 में 9 घटा दो, 40 में 9 घटाओ कितना होगा 31, यानी कि बराबर लिख दो आप 31 बटा 8, ये आपका शुद्ध रूप से आंसर आ गया, 31 बटा 8 ही आंसर आएगा, और अगर आप इस सूत्र से बनाते हो तो भी निकलेगा, बात एक ही है। तो क्या करेंगे, अगर हम इससे चलते हैं तो 4ac - b² फोर ए, बात एक ही चीज है, बस लिखने का थोड़ा तरीका बदलेगा, तो 4 गुना ए का मान है 2 और सी का मान है 5, ठीक है, तो 5 गुना 10 कर दो, 10 चौक 40 डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, ठीक है, 40 हो गया, 4 गुना एसी, एसी का मान 5 गुना 10, 10 चौक 40, अब माइनस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 3 है ना, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, ऐसे माइनस 3 है तो माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये माइनस तो सूत्र का रहा, ठीक है, लेकिन ये माइनस मेरा पॉजिटिव हो गया, और बटे 4a, तो 4 गुना a, a का मान है 2, 4 गुना 8, ठीक, तो 40 में 9 घटा दो कितना हुआ, 31 बटा 8 हो गया। अब आपको जो भी ट्रिक अच्छा लगा है उसी ट्रिक से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला एग्जांपल में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और एग्जांपल दो भी बताएंगे, और आगे भी आपको क्वेश्चन में भी ये मिलेगा, समझ में आ जाएगा, अब अंत तक बस बने रहो। तो देखो क्वेश्चन नंबर यानी कि एग्जांपल दो दिखाते हैं आपको स्क्रीन पे, एग्जाम्पल दो कहता है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 का मैक्सिमम मान बताएं। जो कैसे दिखा एग्जाम्पल नंबर दो में 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 का मैक्सिमम मान,
अब देखो अगर हमको ये बोला है मैक्सिमम मान, तो न्यूनतम बोले या महत्तम मान बोले, आपको सूत्र तो यही लगाना है, ट्रिक तो यही लगाना है, तो आपको सबसे पहले एबीसी का ज्ञान होना चाहिए। तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। तो सी माइनस यानी कि 9 माइनस बी स्क्वायर, चार का स्क्वायर 16, अब बटे 4a, तो चार चौक 16, ठीक। 16 से 16 कटेगा क्या होगा, एक हो जाएगा, 9 में एक जाएगा, 8 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हम दो एग्जांपल आपको बता दिया। अब हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे और एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक आपको बताएंगे, बस अंत तक आप हमारे साथ बने रहना और एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाओ अच्छे ढंग से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है, यदि x प्लस वाई बराबर 8 हो तो एक्स वाई का अधिकतम मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो प्रैक्टिस के साथ कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। अभी आपको बस अंत तक बने रहना, जहां जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत होगा वहां हम खुद आपको कॉन्सेप्ट दे देंगे। तो x प्लस वाई बराबर 8 लिख दिए और इसमें कहता है हो तो x और y का अधिकतम मान, यानी कि एक्स वाई का अधिकतम मान, ये अधिकतम मान क्या है, वही चीज आपको हम अभी जस्ट बताएंगे। अधिकतम मान कहां से प्राप्त कर सकते हैं, किसी दो अंकों का, तो हम लोग जोड़ से प्राप्त करेंगे कि गुणा से प्राप्त करेंगे कि भाग से प्राप्त करेंगे कि घटाव से भाग प्राप्त करेंगे, ये चीजें आपको हम बताएंगे अभी, ठीक, समझ लो पहले। तो देखो जब एक्स और वाई 8 है, यहाँ पर दो डिजिट है, तो इसको हाफ हाफ कर दो ना, एक्स का वैल्यू कर दो 4 और वाई का भी वैल्यू कर दो 4, ठीक। तो ध्यान देखो 4 और प्लस 4 8 हो गया। करने का तरीका क्या होगा, इस 8 को ही यहाँ पर क्योंकि एक्स और वाई है मतलब दो डिजिट का जोड़ है, तो 2 से इसको भाग लगा देंगे तो 2 चौक 8 होगा, यानी कि एक्स का भी 4 ले लेंगे, वाई का भी 4 ले लेंगे, यानी बराबर बराबर ले लेंगे। उसके बाद लेने के बाद आप सोचो कि अधिकतम मान कैसे आ सकता है, एक्स वाई का मान जोड़ के घटा के क्या करेंगे, तो गुना करके आएगा मान, तो इन दोनों को गुना कर दो, तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर एक आपका हो जाएगा 16। और दूसरा क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से है, जैसा कि आप देख लो ऑप्शन नंबर कितना है 16, बी 2 नंबर। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लगा दिए, क्योंकि एक ही जैसा क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई बराबर 12 है, तो समझना x प्लस वाई बराबर अगर 12 है तो वही 2 अंक है और इसका हमको क्या चाहिए, अधिकतम मान चाहिए, तो हमको इसको कटा लेना है 2 से 2 छक 12, यानी कि ये भी 6 हो जाएगा और ये भी मेरा 6 हो जाएगा, और इसको गुना कर दो, एक्स वाई का मान चाहिए ना, तो चटा के 36 मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36, और 36 कितना नंबर है, 1 नंबर आंसर है। 2 क्वेश्चन हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन एक जैसा था इसलिए एक जैसा स्क्रीन लगाए। अब तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 4x² + 2x + 1 का न्यूनतम मान क्या होगा। देखो न्यूनतम मान, न्यूनतम मान का सूत्र क्या होता है, अधिकतम बोले या फिर न्यूनतम बोले, तो आपको क्या सूत्र बताए, c - b² / 4a। इतना रटा रट लो इसको कि एग्जाम में अगर आ जाए ना तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये सूत्र होता है, ठीक। या फिर बोल सकते हो 4 AC घर में लगा लिए, एकदम बौ करने लगे, ठीक है, 4 AC लगाए अब बॉ करने, 4 AC - 2 का 2 बार बॉ, ठीक है, अब बटे क्या, बटे कितना a, तो बटे 2a, ठीक है, ये सूत्र आपको 4a, ये आपको पता होना चाहिए। 4 AC लगाए, ठीक है, और बॉ करने लगे 2b² अब बटे 4a, एसी जो लगा लेगा घमंडी हो गया, ठीक है, तो 4 AC - 2 इस तरह से ट्रिक याद रखने का एक तरीका हम लोग को बताया गया था, हम भी आपको बता दिए। तो देखो c - 2 या फिर ये तरीका लगा लो जो न्यूनतम या अधिकतम मान में, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, 4x² + 2x + 1 और हमको न्यूनतम मान बोले, उससे मतलब नहीं है, हमको अपना सूत्र लगाना, तो सी का मान देखो, ए का मान ये है, बी का मान ये है, सी का मान ये है, ठीक है, यानी कि ये मेरा सी हो गया। तो देखो सी का मान यानी कि 1 - b² 2² 4 अब बटे 4a यानी कि 4 चौक 16, 4 चौक 16 1/4, 1 में 1/4 घटा दो तो कितना हो जाएगा,
चार मिल जाएगा, 3/4 आपका आंसर होगा, और 3/4 ऑप्शन किसना कितना नंबर है, 1 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि P एवं Q कोई वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है कि 0 इसको बोलते हैं लेस देन, ठीक है, लेस देन 0 लेस देन Q, ठीक है, Q से 0 छोटा है और बराबर है, और लेस देन इक्वल टू 1, Q जो है ना 1 से क्या है छोटा है या फिर बराबर है, ये हो गया। अब कहता है क्या कि P+Q=1 है, P+Q=1 क्या है मेरा 1 है, और अगर 1 है तो गुणनफल PQ यानी कि P × Q का मान चाहिए, P × Q का मान क्या होगा। तो देखो एक बात बताते हैं, 0 से बड़ा लेना है और 1 से छोटा लेना है तो क्या लेंगे, हाफ लेना होगा, और 1/2 और 1/2 आप जोड़ते हो तो क्या होता है, 1 ही तो होता है ना। तो इसका मतलब हमको P × Q का मान चाहिए 1/2 × 1/2 = क्या होगा 1/4 आपका आंसर हो जाएगा, और 1/4 देख लो कितना नंबर ऑप्शन में, 4 नंबर तो बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करता है। तो 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे देता हूँ। देखिए क्वेश्चन कहता है कि x-2 और है x-9 का न्यूनतम मान चाहिए। तो देखो न्यूनतम मान बोले या महत्तम मान बोले, महत्तम को ही अधिकतम मान भी बोल सकता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, सूत्र है, क्या सूत्र है, पिछले क्लास में आपको बहुत ही अच्छा ढंग से बताए थे कि C-B²/4A, इसी सूत्र से आप महत्तम या न्यूनतम मान को निकाल सकते हैं। ये न्यूनतम मान के लिए भी होगा और महत्तम मान के लिए भी होगा, C-B²/4A। तो एक बात बताओ, लेकिन इसमें ये चीज़ पुट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें ABC लेने में दिक्कत है। तो आप क्या करोगे, इसको द्विघात समीकरण क्वाड्रिक इक्वेशन में लाओगे पहले। तो कैसे लाएंगे, देखो x × x करेंगे तो क्या हो जाएगा x², और उसके बाद ±, नो एक्स, और फिर हो जाएगा -2x, और फिर -+ 9 × 18 गुना करना है, इसको इसके इसके साथ इसके साथ, फिर इसको इसके साथ फिर इसको साथ, कर देने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी कि x²-9 और -2 तो -11x, ठीक है, और +18। अब जो है ना यहाँ पर एक छिपा हुआ है, तो ये मेरा a का मान है, ये मेरा b का मान है, और ये मेरा c का मान है, और इसको इस पर पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो देख लो c का मान कितना है 18, तो 18 लिख दिए, माइनस b का मान कितना है -11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा माइनस, और 4a का मान 1 है तो 4 = 4। अब देखो इसके साथ एलसीएम लोगे तो 18 × 72, 121 में आपको 72 घटा देना है तो माइनस में आंसर आ जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा 11 में 2 = 9 और 11 में 49 आपका हो जाएगा 4 आंसर, और ये आंसर आपका कितना नंबर में है, 4 नंबर में। तो इस तरह से आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं। तो महत्तम और न्यूनतम ये दोनों सवाल के लिए आप ये सूत्र जरूर याद रखना, C-B²/4A, या फिर बोल सकते हो 4AC-B²/4A, ठीक है, इसी को आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा 4AC-B²/4A, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि x वास्तविक हो तो 7+10x-5x² का अधिकतम मान क्या होगा, 7+10x-5x² ये दिया है, और इसका मान हमको चाहिए अधिकतम मान, अधिकतम मान बोले या न्यूनतम मान बोले, उसके लिए एक ही सूत्र है, और वह सूत्र है मेरा क्या सूत्र है, C-B²/4A।
अगर इसको आप याद रखते हो तो ही बना पाओगे, अन्यथा बहुत प्रॉब्लम होगी। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ें उल्टा लिखा है, द्विघात समीकरण इस तरह नहीं होता है, होता है ऐसा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर लिखना था, उसको प्लस टेन एक्स लिखना था और प्लस सेवन लिखना था, ये होगा इस तरह से। लेकिन अगर इस तरह दिया है तो आप इसी को ए मानोगे, इसको बी मानोगे और इसको सी मानोगे। अगर यहाँ इस तरह सीधा लिखेंगे तो ये मेरा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये मेरा सी हो जाएगा, और इसमें पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो सी का मान हो जाएगा सात, तो सात माइनस बी का मान हो जाएगा एक सौ। अरे भाई बी का मान दस का इसको एक सौ, अब फोर ए, फोर ए माइनस पाँच है तो पाँच चौके बीस, तो माइनस बीस हो जाएगा। तो बीस पंचे सौ, माइनस पाँच हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सात और पाँच को जोड़ेंगे तो बारह मेरा आंसर हो गया। कैसा है, है ना आसान? तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर सात आपका सॉल्व कर, छः नंबर सॉल्व हो गया, अब हम लोग सात नंबर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है कि यदि x और y धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं और एक्स वाई इक्वल टू आठ है तो 2x प्लस y का न्यूनतम मान है। तो देखो x और y का मान हमको दिया हुआ है आठ, ये ना दिया है, और हमको बोल रहा है कि 2x प्लस y का मान चाहिए उसको, ठीक है, इसका मान, और वह कैसा मान चाहिए, न्यूनतम मान, न्यूनतम, ठीक। तो देखो ये बहुत आसान है, कैसे हम सोचेंगे कि x और y अगर 8 दिया है तो क्या x का मान ले और y का मान ले कि 8 हो जाए। तो पहला लेते हैं क्या, x की वैल्यू ले लेते हैं एक और y की वैल्यू ले लेते हैं, y की वैल्यू 8 रखते हैं, इसको गुना करते हैं तो मेरा 8 हो जाएगा। अगर इसका हम 2 रखते हैं और इसको 4 यहाँ रखते हैं y की वैल्यू, तो 8 हो जाएगा, हो रहा है ना। इसके अलावा और कोई मान नहीं है जिसमें हम 8 ला सकते हैं। अभी दोनों इक्वेशन में यानी कि ये वाला या फिर ये वाला पुट करके देखते हैं, जो न्यूनतम मान देगा वही आंसर हो जाएगा मेरा। तो देखते हैं ये दोनों को पुट करते हैं इसमें, तो 2 गुना 1 प्लस 8, तो 2 का 2 और 8 10 हुआ, ठीक। और इसका पुट करते हैं, अगर ये वाला पुट किया, अगर इसको पुट करते हैं हम 2 गुना 2 यानी कि ये 2 और x की वैल्यू यहाँ से 2 और प्लस y की वैल्यू 4 रखते हैं, तो दोनों 4 और 4 8, तो कौन मान दिया, न्यूनतम मान 10 है कि 8 है। x और y का वैल्यू तो मेरा यही है, 1 और 8 और 2 और 4 यही रख के देखे देखे तो 8 हमको मिला यहाँ से, इससे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन न्यूनतम मान आया क्या, 8 आया, तो 8 मेरा आंसर हो जाएगा, न्यूनतम मान चाहिए था 8 लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि a एक धनात्मक संख्या हो तो a प्लस 1 बाय a का न्यूनतम मान क्या है, ठीक है। तो देखो a का धनात्मक मान क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से बोल रहा है, और उसमें भी बोल रहा है न्यूनतम मान चाहिए, तो a प्लस 1 बाय a यही क्या करना है। तो a का वैल्यू 1 ले लेते हैं यहाँ से, अब न्यूनतम के लिए छोटा मान ले चाहिए, और 1 बाय 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 1 बाय 1 1 ही हुआ, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि माइनस 4x स्क्वायर, उसके बाद बोला है प्लस 12x माइनस 2, इसका क्या चाहिए हमको, अधिकतम मान चाहिए, ठीक है। तो देखो अधिकतम मान बोले या न्यूनतम मान बोले, क्या ट्रिक बताए थे, ट्रिक बताए थे c माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, बार बार बोल रहे हैं, बार बार लिख रहे थे कि आपको याद हो जाए। तो देखो यहाँ पर ये मेरा a का मान है, ये मेरा b का मान है और ये मेरा c का मान है, ठीक। अब देखो इस पर पुट करो, c का मान हो जाएगा माइनस 2, अब माइनस b का मान हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, अब अटा 4a, 4a का मान माइनस 4 गुना 4 तो माइनस 16, तो 16 नामा चवाल से माइनस 9 बार, यहां माइनस है ना, तो ये माइनस 9 बार, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 माइनस 2 बराबर 7 आपका आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि यदि a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर 1 हो, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1 हो, और उसमें वो बोला है कि 1 प्लस a 1 प्लस बी 1 प्लस सी और 1 प्लस डी का मान उसको चाहिए, यही ना होगा, और क्या होगा अधिकतम मान, क्या होगा अधिकतम मान। तो देखो इसमें आप ये मत सोचना कि ट्रिक लगा देंगे c माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, ये ट्रिक का काम इसमें है नहीं, क्योंकि ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसको सेटिस्फाइड करना होता है,
ठीक है। और जितना अलजेब्रा का बहुत सारा क्वेश्चन वही मेथड से बताएंगे, सेटिस्फाइड है। तो देखो हम आपको बताए थे शुरू में कि अगर एक है और यहाँ एक दो तीन चार है तो इसको चार से ही भाग लगा दो, तो चार से भाग लगा दो तो एक बट्टा चार यानी कि 0.25 बोल सकते हो उसको, तो एक बट्टा चार हुआ तो इसका मतलब ए का मान भी एक बट्टा चार ले लो, प्लस बी का मान भी एक बट्टा चार ले लो, प्लस सी का मान भी एक बट्टा चार ले लो, डी का मान भी एक बट्टा चार ले लो, ये तो ले सकते हो क्योंकि एक बट्टा चार एक बट्टा चार एक बट्टा चार चार बार जोड़ेंगे तो मेरा मान जो होगा ना वो मेरा एक आ जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में दिया था चार भाग, क्योंकि चार अंक है इधर, चार अंकों का योग है ये, अब बराबर कर दिए। अब हम जान गए कि ए का मान भी एक बटा चार, बी का मान, सी का मान, डी का मान, सबका एक बटा चार रखना है। तो यहाँ का कहने का मतलब ये 1+1/4 आगे भी वही होगा, आगे भी वही होगा, वह आगे भी वही होगा, तो कितने टाइम होगा, तो देखो एक दो तीन चार जितना बार हुआ उसमें पावर लगा दो और इसी को सॉल्व कर दो आंसर हो जाएगा। बार बार क्या लिखोगे समय बर्बाद करने के लिए, तो चार एकम चार एक पाँच, पाँच बट्टा चार पर पावर आपका चार आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप बना सकते हो।